हेलो दोस्तों, सारे ने प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आप सबको पता है कि सर्व अकाल एवरी डे शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 10:30 बजे तक भगवान की कृपा के साथ हम लोग, हमारा जो विरसा है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संगीत है, उसको लेके हम लोग सभी इकट्ठे होके इस यात्रा में निकलते हैं। तो रोज की रोज हमारे जो यात्रा करवाने वाले हमारे जो महापुरुष रहते हैं, संत रहते हैं, वो बदलते रहते हैं, तो लेकिन हमारी सबकी यात्रा है जो वो सेम चलती है म्यूजिक के साथ। तो भगवान की कृपा है कि ये एवरी डे हर रोज बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही बाकमाल आर्टिस्ट हैं, बाकमाल गायन है उनका, तो उनका गायन सुन के मन को सुकून मिलता है, बड़ी कृपा है। आज मैंने काफी बार उनके वीडियोस खुद देखे। कहते हैं कि जब अपने आप को चीज अच्छी लगती है तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, दूसरे को तो अच्छी लगेगी। तो जब आत्मा प्रसन्न होती है तो उसकी बख्शिश फिर सब पे रहती है। तो सबसे पहले आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले, आज के हमारे जो बहुत ही बाकमाल आर्टिस्ट जिनके आज इन अपना बर्थडे हैं, तो हम लोग सर्वकाल के इस मंच से हम लोग अपने जो बाकमाल आर्टिस्ट हैं हमारे हिंदुस्तान के, कला रामनाथ जी, और उनके साथ हमारे चंडीगढ़ से डॉक्टर हरविंदर शर्मा जी, जो कि बहुत ही बाकमाल सितार प्लेयर हैं, उनके बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इस मंच पर बजा के जा चुके हैं, और भगवान की कृपा के साथ पिछले साल वो भी सर्वकाल के फेस्टिवल में बजा चुके हैं। तो बड़ी कृपा है उनके ऊपर, बहुत ही अच्छे इंसान। तो ऐसे इंसानों के साथ हम लोग उनका जो बर्थडे है सेलिब्रेट करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। तो क्योंकि इस मंच से हमें दूसरी बात तो करनी नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन सी न्यूज चल रही है, हमारा तो न्यूज ऑलवेज संगीत ही रहता है। तो संगीत की न्यूज के साथ जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं, जो बड़े लेजेंड लोग हैं, जिन लोगों ने हमारी संगीत की सेवा की है, इस संगीत को लेके आगे चल रहे हैं, तो उनके साथ हम लोग सारा उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। तो आज की ये जो सर्वकाल लाइव प्रोग्राम है, शो है, आपकी सेवा में, जैसे कि मैं आपके साथ रोज जुड़ता हूँ हरजीत सिंह, तो हमारे जो होस्ट हैं आज के अंकिता साहा जी, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। 2-3 दिन पहले भी उन्होंने एक बहुत ही बाकमाल हमारा सितार का एक इतना अच्छा प्रोग्राम लेके आए, सुने हम लोग, इतना आनंद आया कि बहुत ही कृपा रही भगवान की। तो आओ आज हम लोग जो हमारे साथ आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगी हमारे अंकिता साहब जी। अंकिता जी, सबसे पहले आपको हम लोग सर्वकाल इस चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आप आज के जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस भी कीजिए, और हमारे जितने भी प्यार करने वाले, संगीत को चाहने वाले, उन सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच अंकल जी फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी वंस मोर। यू वेलकम। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल माय व्यूअर्स। माय व्यूअर्स आर माय एक्सटेंडेड फैमिली लाइक, सो फील फ्री टू क्वेश्चन मी एनीथिंग यू ऑल वांट। एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट। एंड मूविंग टू like last 4 to 5 days I hosted I got that opportunity to host. Today is like my all my wishes coming true in front of you all. Yeah, why I said this is like I experienced the brilliant sitarist of this era, Shri Samanvay Sarkar, and he successfully complete his jugalbandi duo with his friend, with his soulmate Devapriya Adhikari. So I would like to introduce today none other than the top-notch vocal virtuoso, Shri Devapriya Adhikari ji. Namaskar. Devapriya Adhikari.
नमस्कार नमस्कार, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू. गुड टू हियर दैट, टू हियर दैट. यस, थैंक्स फॉर पुटिंग दैट एडजेक्टिव ऑफ टॉप नॉच. आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक यस एंड डूइंग म्यूजिक एंड लर्निंग लर्निंग लर्निंग. सो डेफिनेटली फीलिंग ऑनर्ड दैट यू आर पुटिंग दैट एडजेक्टिव. तो उस विशेषण से विभूषित करने के लिए धन्यवाद आपको और हरजीत जी को भी. I really meant that. Last time when I went to the YouTube and researched about you all, I typed Deva Saman, DevaSaman, Deva Saman, and it was the blend of music. Music means the vocal and the sitar, and we are feeling like complete to get you today, because already we heard about you from Shri Samanvay Sarkar last time. So like, we are really very honored to have you, and myself, I'm feeling really very lucky to have you today in this set. So I'm really happy. So I'm like, honored for this invitation, and really glad to be a part of this project. True, yeah. So like, my first question, I read like, before, when you were a kid, you traveled 300 kilometers to learn music. Is that true? Yes, it is very true. I have already read, but yes is the word I wanted to hear. Means it's like, I can't believe it. And what drove you there? Means you were a kid, you had studies. What you and your parents drove so far? And that too, that time when transportation was not good that much. So please explain. I'm like very impressed by this. I can't believe this. So please, up to you. Yeah, so before starting, I'd like to say I would be speaking in Indo-Hindi because there are a lot more people who would be enjoying. True. Matri bhasha hi hoti hai ultimately. Mm-hmm. Aur har waqt aapko mauka nahi milta hai kuch baatein kehne ke liye. Kya baat hai? तो इसीलिए there would be a blend of these two languages definitely. तो जहां तक inspiration and जैसा कि उन्होंने पूछा कि what drove you, it definitely हमारे माता जी की कृपा से और माता जी के जोर से हम संगीत के इस रास्ते पे चलना शुरू किया. और उनको शौक था संगीत का, खुद की है, बहुत अच्छा सीखी है. mm-hmm. और तो इसीलिए संगीत का एक ये तो था ही घर पे, जैसा कि सुनते रहे हैं, हर वक्त सुने हैं. लेकिन जो जोर था उन्हीं का था कि अगर सीखना है, करना है, तो अच्छी तरह से करना है. तो यू नो शी वॉज वर्किंग एंड वी हैड अ जॉइंट फैमिली एंड एवरीथिंग वॉज देयर, बट above all, beyond all, everything means her main aim was to groom her kids well. And kuch bhi unke liye ye nahi tha ki average karna hai. Jo bhi karna hai, achhi tarah se karna. Agar karo to achhe se karo, warna mat karo. Very nice. Isliye hamare guruji Pandit Shamresh Chaudhary ji, pehle to hum 5 saal unse 3-4-5 saal mummy se hi seekhna शुरुआत किए और करते रहे. लेकिन हर समय ऊंचाई पे पहुंचने के लिए गुरु भी उस तरह का मिलना बहुत जरूरी होता है. तो उसके लिए आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे जिंदगी के हर एक पल में बहुत अच्छे गुरु मिले. क्या बात. और बहुत अच्छे गुरु मिले, जैसे नॉट ओनली मी, आई विल टॉक अबाउट समन्वय ऑल्सो. वी ऑलवेज डिस्कस दैट वी गॉट इन एवरी स्टेप, जिस वक्त पे जैसा गुरु हमें चाहिए या भगवान ने भेजा और वो संयोग हमारा बना. तो माँ को पता चला कि गुरुजी हमारे कलकत्ते से दुर्गापुर आते हैं. तो दुर्गापुर में, क्योंकि नैहर था उनका, हमारा मामा घर, नाना जी रहते थे, तो एक सुविधा भी था कि चलो हमें ट्रैवल करके कहीं पे रहने के लिए चिंता नहीं करना होगा. तो हम उसी तरह से हर एक शनिवार को हम पहुंच जाते थे गुरुजी के पास सीखने, स्कूल करके उनका ऑफिस रहता था, फिर ट्रेन से हम जाते थे. right. और कोई एक्सक्यूज नहीं रहता था कि एग्जाम है
हायर सेकेंडरी एग्जाम है कि सेकेंडरी एग्जाम जो भी करना है, इवन मॉक के पहले दिन भी माँ बोले कि पढ़ लेना ट्रेन में जाते हैं, तो पढ़ाई बहुत बहुत भारी चीज नहीं है, इसको एक दिन भी नहीं छोड़ना है, गुरुजी बैठे रहेंगे। तो हम पहुंच जाते थे, और कभी अगर नहीं भी जा पाते थे, ये एक कहानी मैं बताऊं आपको, तो उस समय फोन का उतना ये नहीं था, तो हमारा क्लास अगर कभी मिस होता था तो गुरुजी पोस्ट कार्ड पे भेजते थे चिट्ठी की नेक्स्ट क्लास इस दिन होगा। वाह, तो वेरी हाँ, नाइस, वेरी नाइस. तो एक बार किसी कारण से हम जा नहीं पाए, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ही खराब थी, तो मम्मी अब क्या करें, लेकिन गुरुजी तो बैठे रहेंगे तो गुरुजी तो खबर पर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि उनका हम लोग 101 सीखते थे, जैसा हम आज सिखाते हैं लोगों को भी, एक एक मतलब तो वो कभी भी ग्रुप में नहीं सिखाते थे। तो मम्मी बोली पापा को कि आप चले जाओ, गुरुजी का गुरु दक्षिणा भी देके आना, और आप उनको बता के आओ कि आज देवप्रिया की तबीयत खराब है इसलिए वो आ नहीं पा रहा है, लेकिन किसी को जाना तो जरूर चाहिए। तो पापा सिर्फ उनको प्रणामी देने और उनको ये खबर पहुंचाने के लिए 300 किलोमीटर ट्रेन से आ गए कि गुरु जी को खबर पहुंचाना है कि देवप्रिया इस कारण से आज पहुंच नहीं पाएगा। वाह, क्या बात सच अ लेसन, सच अ गुड लेसन. मींस दिस प्रूव्स, मींस वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट? मींस इट्स अ रियली नहीं फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन. मींस नो एक्सक्यूजेस, नथिंग, जस्ट या बिल्कुल, लाइक या वेरी नाइस. वो श्रद्धा बहुत जरूरी होता है आपको, खास करके संगीत को अपनाने के लिए, सीखने के लिए, कोई भी विद्या के लिए। तो और वो एक सिलसिला है, एक परंपरा है, जो कि बच्चों में भी डाला जाता है, वो ऐसे ही नहीं आ जाता है, तो वो देख के सीखते हैं ना, तो अपने माता पिता या जो भी आसपास के लोग हैं ना, तो चैलेंजेस सराउंडिंग्स, तो राइट? बहुत थे, घर पे भी था, इतना दूर जाके सीखने का क्या है, यहाँ सीखो ये करो, लेकिन मम्मी को था कि नहीं, अगर सीखना है तो अच्छे से सीखना है, तो उनके पास हम 12 साल सीखे हैं, वेरी उसके बाद इम्प्रेसिव, जैसा वेरी जैसा इम्प्रेसिव. बाकी गुरुओं के पास गए हैं। क्या बात है, इट्स अ लर्निंग फॉर अस ऑल्सो. आई एम टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल, लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आंटी, इट्स लाइक फॉर अस ऑल्सो इट्स सच अ गुड इम्प्रेसिव स्टोरी. एंड मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, लाइक आई माइट बी साउंड लिटिल रूड, देवप्रिय जी, बट आई एम स्टिल वॉन्टेड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. वॉट डू यू थिंक, वाई पीपल विल हियर यू? वाई, लाइक वॉट इज द एक्स फैक्टर इन योर म्यूजिक? कैन यू एक्सप्लेन दिस? मीन्स इफ यू डोंट बिल्कुल माइंड, मीन्स आई नो लाइक या वाई पीपल विल, वाई विल आई हियर यू? जोकिंगली माय स्माइल, एनीवे दैट्स अ गुड क्वेश्चन, डेफिनेटली आई बी हैप्पी टू आंसर इफ आई कैन डू अ बेटर जस्टिस टू द क्वेश्चन, बट इट कुड बी आस्क्ड टू माय फॉलोअर्स एंड ऑडियंस रादर। सो द मेन थिंग इज द मोस्ट important and the factor that what I call X factor is the way I have blended my taaleem, my learning with different gurus, जो मैंने सीखा है, और मैं एक एक उम्र में एक एक जगह पे, मतलब तीन चार तीन गुरुओं से मैंने सीखा, तो आई ब्लेंडेड दोज, और मैंने जो एग्जीक्यूशन मेरा है वो मेरा अपना है। मैं आज लोगों को पता चलेगा कि अगर मैं बताऊं तो पता चलेगा कि हाँ मैं इनसे सीखा हूँ, इनसे सीखा हूँ, इनसे सीखा हूँ, पर द वे आई ब्लेंडेड दोज एंड आई एम पुटिंग फोर्थ इन फ्रंट ऑफ पीप द ऑडियंस विद माय ओन अंडरस्टैंडिंग, जो जितना मुझे मिला है कृपा से, या ईश्वर जी की कृपा से, माता पिता की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, तो उनको जैसे मैंने ब्लेंड किया, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, द वॉइस विच आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड इन विथ माई गुरुज गाइडेंस, एंड डेफिनेटली माई मदर वॉज आफ्टर दैट, माई वॉइस मूव्स अलॉन्ग द 3 ऑक्टेव्स फ्रॉम जी शार्प टू ई, सो आई एम एबल टू यू नो कोप अप विथ थिंग्स। तो इसीलिए जब भी मैंने किसी के पास, कोई भी और गुरु के पास, जैसे मैंने हम जब गए समरेश चौधरी जी के बाद, पंडित विजय किशोर जी, अप्पा जी, तो कोई भी चीज हम सीखे हैं उसको अपनाने में मुझे देर नहीं लगा, एंड नाउ आई एम प्रेजेंटिंग दोज इन माई वे, सो विद माई डेफिनेटली माई अंडरस्टैंडिंग एंड थिंग्स। तो ये दूसरी बात, एंड तीसरी बात,
जैसे कि मैंने कहा कि द एग्जीक्यूशन, कि आपके गले में तासीर एक चीज होता है जो किसी को मिलता है और किसी को आपको तैयार करना होता है, एंड कैसे आप हर एक एलिमेंट्स को हैंडल करते हो. यू नो म्यूजिक में टूल्स नहीं होते हैं, वो टूल्स कोई भी चीज, मतलब दोज आर द एलिमेंट्स विच यू नर्चर विच यू डिवेलप. ठीक है ना? तो ऐसा हमने सुना, हम लोग जैसे सुनते आए हैं कि क्लासिकल सीखने से गला तैयार होता है. क्लासिकल सीखने से गला तैयार नहीं होता है. क्लासिकल में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके प्रयोग से गला तैयार होता है, लेकिन उनके गलत प्रयोग से गला खराब भी हो सकता है. वेरी ट्रू. यस यस यस, दिस इज प्रॉब्लम. वो आपको कोई गुरु ऐसे दिखा नहीं सकता है. तो उसको मैंने वो मेरे माता जी जो भी समझ हमको दी थी, तो उनको मैंने अपनाया. मुझे 10 साल जब मैं समरेश चौधरी जी से सीखता था, कोई भी सीखेगा तो कोई भी सुनता था तो मुझे उनको सबको पता चलता था कि मैं उनका शिष्य हूँ. आंख बंद करके कह सकते थे कि मैं उनका शिष्य हूँ. आज वो नहीं पता चलेगा, लेकिन एलिमेंट्स आप उनके गले से उन्होंने निकाला किसी चीज को. मैंने अपने अपने तरीके से उसको आजमाया, और अभी जो सोच और भी गुरुओं से जो मिला मुझे, विजय कृष्ण जी से, पंडित कुमार प्रसाद मुखर्जी से, और क्योंकि समन्वय उनके पास जाता था तो वो बहुत वोकल की चीजों को सुना है, तो वो मुझे बहुत सारा बोला कि वो ऐसे कहते हैं ऐसे कहते हैं. लेकिन सभी में कुछ ना कुछ एक ये होता है ना, जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो ये होता है. तो आप गुरु में डिसएडवांटेज नहीं देखते, एडवांटेज ही देखते हैं हर समय. क्योंकि लेकिन आपको ये समझना होता है कि अच्छा ये तो उनके गले से ऐसे निकल रहा है, तो लेकिन मैं इसको करूं तो मेरे गले से कैसे निकलना चाहिए. तो उस पे मैंने ये भी शोध किया कि अगर मैं अपने शिष्यों को अगर मुझे बताना है तो मुझे इसकी समझ भी तैयार करना चाहिए कि उसमें अगर ये नहीं आ रहा है या अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो किस तरीके से आ सकता है, क्या करो, कौन से तरीके उस चीज को निकालो कि वो निकले. जी क्या बात है. और वो रफ ना हो आपके कान में. मान लीजिए बहुत लरसदार या हलक या गमक हम कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपके कान में खटकना नहीं चाहिए. वो आपके कान में कभी भी रफ नहीं लगना चाहिए. अरे बाप, ऐसा नहीं होना चाहिए. उसमें भी लगे कि आप जब सुन रहे हो, आंख बंद करके अगर किसी को सुन रहे हो, तो आप कुछ भी करके जाओ, उनको हर एक एलिमेंट उसी सूदिंग इसमें लगना चाहिए. आई थिंक दैट्स अ फैक्टर विच आई क्रिएटेड, एंड आई कैन एक्चुअली शो दैट, एंड आई कैन अट्रैक्ट दैट वे. सो दैट्स द थिंग. अभी अभी क्या है ना, यंग जनरेशन जो है, हम लोग भी यंग जनरेशन में ही पढ़ते हैं, लेकिन यंग जनरेशन है, उनको कभी ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि अरे वो दैट्स नॉट आवर कप ऑफ टी, और दैट वो हमको नहीं सुनना है, उसमें बड़ा ये है. क्योंकि अभी क्या है ना कि वो एक कहते ना कि रोमांटिक रोमांटिक, ये एक रोमांटिसिज्म इज नॉट अ फैक्टर अभी है, हर वक्त था, हर समय था. लेकिन आजकल का जो जनरेशन है, उनको लगता है कि हमारे जैसा रोमांटिक कोई है नहीं. सही बात है, सही बात है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. यस यस. तो हम रोमांस के एकदम उस पार जाते हैं. इसीलिए आप देखिएगा कि आप बॉलीवुड सुनिए, किसी भी इसको सुनिए, देयर इज अ ट्रेंड व्हिच हैज बीन गेटिंग फॉलोड. एक सुर का, एक मेलोडिक फीचर्स का एक ट्रेंड है जो चल रहा है, व्हिच आर वेरी गुड, डेफिनेटली वेरी सूदिंग. पर आप पिछले कुछ इसी में सुनिए, उसमें बहुत ज्यादा इंडियन इंडियननेस था जो रहता था, लेकिन उसमें आपको वैरायटी लगेगा. लेकिन और अभी जो है एक ट्रेंड है, उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत एक अलग, कान में एक अलग चीज लाता है. जी ठीक है. आप देखिएगा लेवल्स, लेवल्स ये है. आप अगर सुनेंगे तो आपको एक ही इसमें लगेगा रंग में, लेकिन आपको अच्छा लगेगा. पहले के इसमें आपको बहुत अटेंटिव भी रहना पड़ता था. सूदिंग तो है, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. अच्छा अभी यहाँ पे सुर चेंज हो रहा है, अभी यहाँ पे मोड चेंज हो रहा है, अभी यहाँ पे कुछ और लिया जा रहा है. लेकिन अभी आप अगर बैकग्राउंड सुने किसी भी म्यूजिक का, देयर इज अ हार्ड बैकग्राउंड बिहाइंड दैट व्हिच गिव्स इट सिमिलर. राइट. तो यू हैव टू नो हाउ टू, इवन फॉर द वॉइस, फॉर द क्लासिकल म्यूजिक, यू हैव टू नो हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस बिटवीन द ओल्ड ट्रेडिशनल थिंग
and the newer approach. Approach. I think I could breeze that up, and I can show what is that. Okay. I could breeze that. वो सेतु कैसे बनाना है कि ताकि लोगों को दोनों चीज दिखे. तो उसके लिए definitely you have to have a very good तालीम, very strong तालीम. So I think these are the few things which can attract my audience towards me. Okay. क्या बात है? So like मैं एक बात यहाँ कहना चाहता था कि अंकिता जी ने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ के जो खासतौर पे इंडियन की साइड अगर छोड़ दें तो हमारा वेस्टर्न कनाडा नॉर्थ अमेरिका के स्टूडेंट की बात करें तो इसी तरीके से सोचते हैं वो, ये कैसे हो सकता है, मैं क्यों सुनूं उसको. बिल्कुल. तो बहुत अच्छे तरीके से आपने उसका जवाब दिया, तो मेरे ख्याल उनको अच्छी तरीके से, क्योंकि इंडिया में लोग ये सोचते होंगे ये कैसा क्वेश्चन है. तो मैं उनके ये थोड़ा क्लियर कर दूं कि बिल्कुल ये बात जो अंकिता जी ने पूछी है बड़ी क्लियर है, क्योंकि इधर के बच्चे हैं जो हमारे इंडिया के बच्चों में और यहाँ में इतने फर्क है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेते हैं आपको, मैं आपको क्यों सुनूं, मतलब सुनूं क्यों, सुनूं क्यों, मैं आपको क्यों फॉलो करूं. तो हमारे इंडिया में होता है पिताजी ने कहा भी चलो इसको सुनना है, चलो ठीक है सुनना पड़ेगा. ठीक है ना, माता जी ने कहा सुनना पड़ेगा. तो ये चीज यहाँ पे हमारा भी ऐसा ही था ना, सीखना तो ऐसा ही था कि सीखना है आपको. हाँ, बिल्कुल. क्वेश्चन नहीं होता है, नो ऑप्शंस, कोई ऑप्शन नहीं है, यही है वहाँ, तो सिर्फ हाथ जोड़ दो. हाँ सही में. बिल्कुल. बढ़ते हम लोग के नए क्वेश्चन पे. सो लाइक आई वॉन्टेड टू आस्क, we all are hearing your silken voice, according to me it's really a silken voice. So what is the primary suggestion to the listeners, not only to the kids, because the parents have to understand first, right? So what is the primary suggestion you will give to have the, is that the only practice or anything? Please, it's up to you. You know, music comes to you with two primary things, that is, first of all is patience, the most important thing. And not only music, I think kuch bhi aap karo uske liye aapko dhairya ye andar se aana bahut zaruri hai. Pehle pehle pehla baat ye bahut pehla bahut factor hai. And parents jo bhi bachcho ko le aate hain seekhne ke liye, unme sabse pehla ye beej rehna chahiye, wo hai patience. Very true. ठीक है, क्योंकि म्यूजिक इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. सबसे पहला चीज ये सोचना और समझना चाहिए कि इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एट ऑल. मैंने करवाया आपको, तुमको भैया 5 साल में स्टेज में जाके मुझे ये दिखाना है. इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन. ठीक है, और 5 साल में ये कोई ऐसा डिग्री नहीं है कि आपको 5 साल में एकदम लिखा हुआ कि हाँ चलो 5 साल बाद भैया आपको, आप पढ़ रहे हो आप 5 क्लास पास कर जाओगे, आप 6 क्लास पास, उसमें भी फेल होते हैं, लोग पास होते हैं. अभी खैर फेल पास तो उठ गया है. तो ये पेशेंस बहुत जरूरी है एंड अंडरस्टैंडिंग. देयर हैज टू बी अ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप समझने, क्योंकि और अगर क्लासिकल आर्ट, कोई भी क्लासिकल आर्ट के लिए आपको हैबिट ग्रो करना होता है, वो एक दिन में नहीं आता है. इवन जो सीखते भी हैं वो सबको सुनना पसंद नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो हैबिट नहीं होता है. हमारा भी था ऐसा बचपन में. हाँ, मेरे गुरुजी गाते हैं, बस मुझे यही सुनना है. लेकिन बाकी लोगों का कुछ मुझे समझ आ नहीं रहा है कि समझ में आ रहा है कि वो कोई पता नहीं चलता था. लेकिन ये धीरे धीरे ग्रो करता है. तो इसीलिए बच्चों को जो भी सीखते हैं उनके पहले तो पेरेंट्स शुड गो थ्रू दैट माइंड सेट कि मुझे ये करवाना है एंड विथ पेशेंस करवाना है. वेरी ट्रू. ठीक है, बहुत अच्छे. वो पेशेंस बहुत जरूरी है. तो वो सबसे पहला यही चीज मैं कहूंगा कि किसी के लिए सीखने के लिए, और चाहे वोकल सीखे, तबला सीखे, इंस्ट्रूमेंट सीखे, पर वो इंसिस्ट, इवन समन्वय भी आप देखे होंगे, आप सुनी होंगी कि वो इंसिस्ट भी करता है कि आप पहले गाना सीखो. उसके पिताजी भी उसको गाना ही सुनाते थे बचपन से, है ना. तो पहले गाना सुनो, गाना सीखो, क्योंकि वो आपका सेंस अंदर से जो परसेप्शन है टुवर्ड्स सुर वो तैयार करता है. यू मे नॉट हैव टू बी मींस यू मे नॉट हैव टू बी अ सिंगर, बट दैट सेंस ऑफ सुर वो आपके अंदर तभी आता है
और जब आपका अंदर गाता है ना वही निकलता है। क्या बात है, बहुत वेरी अच्छे, नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत खूब। तो आप जब गायक भी हो ना तो आपका अंदर गाएगा तभी वो आपके सुर में वो दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू, नहीं तो गाना तो सभी गा सकते हैं, क्या है मतलब, तो जिनके सही पास बात, थोड़ी भी आवाज हो गा सकते हैं। सही यस, बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, हाँ क्या बात वेरी है। नाइस। थैंक यू देवप्रिय जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। मूविंग टू अनदर, आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, सो वील मूव लिटिल फास्टर। श्योर, नो सो वरी। या लाइक पीपल सेज लाइक फीमेल स्टूडेंट फीमेल गुरु, मेल स्टूडेंट मेल गुरु, मीन्स व्हाट विल यू से अबाउट दैट? Because I have seen you have learned, so what will you say regarding this? This is out of curiosity, though, means just a curiosity. How will you say? First of all, I ended up learning with a female artist, True. the legendary Diva, and then I have lot many students who are females. Means Okay. most of the students are females actually. So it depends on the guru कि वो आपको क्या दिशा दिखा सकते हैं या दिखा रहे हैं, क्या और बात है, पिच के लिए सोचते हैं लोग। पर मेरे आई वॉन्ट से अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मेरी शिक्षा ऐसा इस तरह से हुआ कि मुझे पिच के लिए इशू नहीं होता है। लेकिन अगर पिच का कोई इशू है भी, आई थिंक इट कैन नॉट बी एन हिंड्रेंस टूवर्ड्स लर्निंग, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग द एलिमेंट्स उसमें आपका पिच आपको ये नहीं होता है। आप अगर वोकल टेक्निक्स आप बताते हो किसी, पहले पहली बात है कि टेक्निकलिटीज, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट सीखो, गाना सीखो, बजाना सीखो, कुछ भी सीखो, टेक्निकलिटीज शुड बी वेरी क्लियर, शुड बी मेड क्लियर टू अ स्टूडेंट बाय द गुरु। ठीक है, तो वो टेक्निकलिटीज की वोकल प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन, कौन सा स्वर कहाँ से निकाल निकल रहा है, हमको कौन उदारा मुदारा तारा कौन सा किस तरह से प्रयोग करना है, कौन से स्वर कौन सी चीज को लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये हर एक चीज की बारीक बारीक समझ और समझ देना और समझाना बहुत जरूरी होता है। अब हर चीज, जैसे कि मैंने कहा कि वॉइस इज सच अ थिंग कि आप उस वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए। सो व्हेन आई डू इवन इवन फॉर माय थिंग, व्हेन आई टीच इवन, आई ट्राई टू डू अ रिसर्च ऑन माय स्टूडेंट आल्सो कि उसको कौन कौन सी जगह पे तकलीफ हो रही है, वो गले में क्या कौन सा प्रॉब्लम उसको हो रहा है कि वो इस चीज को निकाल नहीं पा रहा है या कर नहीं पा, तो उसका वेरी उसका नाइस, वो दुख बताना कि इसको इस तरह से करो। सो दैट इज द वे इन इन विच इन विच वे आई आल्सो लर्न। ठीक है, एंड दैट्स द काइंड ऑफ रिसर्च, एंड दैट इफ दैट अगर वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, देन यू आर ओके, देन यू कैन एक्चुअली अप्रूव इट, ओके दिस इज डन, सो आई कैन एक्चुअली अप्लाई दोज टू अदर्स आल्सो। तो ये चीज, तो पिच के लिए आई थिंक फीमेल के पास फीमेल सीखेगा। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जैसे जो आई शुडन बी साउंडिंग बिट क्या कहें, डिस्क्रिमिनेटिंग, बट फ्यू फ्यू एलिमेंट्स आर दो आर देयर जो कि जैसे मेरी गुरु माँ भी कहती थी कि ये चीज औरतों को नहीं करना चाहिए, ये चीज ओके मर्दों के लिए ठीक है। ओके उसका कारण है, देर इज ए फिजिकल थिंग, ओह देर इज फिजिकल डिफरेंस, क्योंकि औरतें दे रिप्रोड्यूस है ना, तो फिजिकल कुछ डायमेंशंस होते हैं जिसके कारण से वो उन चीजों को, ये वो शास्त्र में भी है, मतलब शास्त्र इससे ही किया गया, ऐसा नहीं है कि हमारी गुरु मैं ऐसे कह रही हैं या कि वो भी किसी से सुनी है, जानी है, समझी है, की है। जी जी बिल्कुल राइट राइट जैसे कि राइट हम बोलते हैं ना कि ये राग लड़कों को अच्छा लगता है, ये क्यों अच्छा लगता है, ऐसा क्योंकि ताकि ऐसा नहीं है कि लड़कियां गा नहीं रही हैं या औरतें गाएंगी नहीं, गाएंगी है सब कुछ, लेकिन उसमें उन उन रागों में कुछ कुछ एलिमेंट्स यूज किया जाता है जो कि फीमेल्स के लिए फॉर द फिजिकल यू नो नॉट आई एम से फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस और समथिंग, पर वो उनके शरीर के लिए कुछ 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 जगह पे अच्छा नहीं होता है। सो दैट्स ओके हाउ वी यूज्ड टू से कि इस समय खरज का प्रैक्टिस नहीं करोगी, मतलब वो हम लोगों को बताएं कि लड़कियों को इस समय खरज का प्रैक्टिस मना करना, ये करना मना करना, तो उसका कारण है कि दैट वोकल एज वॉइस हैज गॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद योर होल बॉडी। यस तो ट्रू देर आर रीजंस कि ये ओके क्यों नहीं करेंगे। जब हम गमक लहरज का ये दिखाते हैं तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हमारे उधर से होता है, तो वो
अवॉइड करना चाहिए लड़कियों को। ओके ओके तो ये कारण है, ऐसे नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा बुरा का वो साउंड का एक वेरिएशन तो होता ही है, तो वो अलग चीज है। लेकिन भारी आवाज वाले औरतें भी गाई हैं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो भी नहीं करती थी। क्यों? उसका ओके ये कारण है। सो तो इसलिए ओके वो ओके हाँ एलिमेंट्स, अगर आप, अगर कोई फीमेल आर्टिस्ट है वो आपको दिखा सके कि हाँ ये तुम करो बेटा, कि तुम लड़के हो तो तुमको ये करना है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग टू डू दैट, यू नो। या एवरीबॉडी कैन लर्न फ्रॉम एनीवन, इट्स अप ओके टू ओके हाउ यू लुक इनटू दैट, दैट्स इंपॉर्टेंट। ट्रू ट्रू सो आई एम इंटरप्टिंग सॉरी फॉर दैट एज बिफोर आई हैव सेड माय व्यूअर्स आर माय एक्सटेंडेड फैमिली टुडे सो लाइक लेट मी थैंक्स हु ऑल आर सीइंग सो लाइक देर आर मेनी पीपल हु ऑल आर एंड लाइक वन इज देयर शिल्पी आई थिंक शी इज योर स्टूडेंट शी इज राइटिंग आई एम रियली प्राउड टू बी योर शिष्य So like we can see, we are having Sneha Chatterjee also. We are having many people, Ragbir Singh, many people. So thank you so much who all have joined and making it a big success. And if you all have missed our any channel of Sarb Akal, so please go to YouTube, type SARB Sarb Akal, AKAL Akal, and please enjoy all the musical. It's like very nice going program in the current generation. So it's really very inspiring. So please go and hear the musical show there. It's So really very impressive. whatever I said, my students like Sneha, Shilpi, and others, whosoever actually there are other girls, they can actually prove it by showing sometimes. So it's Yes, like definitely. because Yes, they are females, so they're learning from me. Yeah, we can see like they are so proud, right? So they wrote, they are seeing, they're inspiring. It's like really nice, yes. And moving to the most important and very exciting question for me, like I heard about your composition. So like composing at this age means it's a very just I wanted to ask you a very direct question, like how you get inspired, how you got inspired to compose? What is, can you throw a little light behind that? Your composition. You know, I didn't ever fight for it. It just came very naturally. I was born and brought up in Bihar. My fourth generation, it's my fourth generation now in Bihar. And means I have got an acquaintance with the language, which is Bhojpuri, Bihari. And also then I finally, when I reached Appaji, I started learning this Banarasi Bhojpuri. And you know, so it's the affinity. It's my attraction towards that literature, towards the language. So I love that. It ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश करके कुछ किया, ये आया, अंदर से आता है, मैं लिख लेता हूँ, ऐसा है। सो ओह क्या व्हेन बात है आई वेरी नाइस कंपोज द फर्स्ट ऑफ माय थिंग, फर्स्ट कंपोजिशन, आई वाज अराउंड 18 और सो, एंड बिफोर दैट आई ट्राइड, आई रोट, बट 18 दिस हैव टू बिलीव माय गॉड इट्स रियल I started it before also, but those were like Kiddish, so I never kept those. Means I felt like Kiddish, ओके but my first Tarana, which I composed, which was I did it in Puri, seeing the my first ever sea, you know, the Oh. ocean. So that was my first trial, and that came, and still we have been performing that. So what was the I'll be rag? performing that today. I'll be performing that tonight. Wow, very So nice. And so like that, it was like just an inspiration which comes from inside, and I do it. And so बंदिश का जो शास्त्र होता है वो समझना बहुत जरूरी होता है, कि कौन से शब्दों को कहाँ पे लाना है, कौन से शब्द का, जैसे बोली होता है ना, रक, अवधि, ब्रज, खारी, है ना, तो ऐसे और भी बोलीज हैं, भोजपुरी, तो इसमें बंदिशों का ये होता है। तो वो कौन सा शब्द कौन से अंक का है वो समझना बहुत जरूरी होता है। कहीं पे कुछ लिख रहे हो उसके साथ आवेला जोड़ दिए, कि आए जोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। जहाँ आए चाहिए वहां आए है, आवेंगे तो आवेंगे होना चाहिए, आवेला है तो आवेला, उसके आसपास का सब कुछ देखना होगा। तो दैट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली डिवेलप्ड एंड केम इन माई माइंड। एंड माई एज आई सेड कि माई मदर वॉज शी स्टडीड हिंदी,
and she was, though she was a student of accounts, but everything was in Hindi. So she was very particular about the language, about the dialect, about the pronunciation. Even if I do something wrong today, she's after that. She's all the time actually poking that, okay, mm-hmm. yes, that's a karma. You know? So, and iska inspiration to tha hi. Aur jab humne, aap jaan, jaisa ki aapne kaha ki hum, so there might be a question for, I'm sure there will be a question from you for the duet. The duet karna shuru kiye, so har raag ka aapko har ek taal ka bandish nahi milta hai. So with Samanvay, I got to learn a lot of other taals also. जैसे जो कि इंस्ट्रूमेंट में बजता है तो उनके लिए और मुझे अच्छा लगता है वो चाल यू नो टू बी वेरी फ्रैंक विद यू आई एम डिक्लेयरिंग दैट आई लर्नड कथक फॉर 6 इयर्स इन माय चाइल्डहुड सो तालों के प्रति मेरा एक ये था तो जब इसके इनके साथ हम डुएट करना शुरू किए तो ये बड़ा ये ताल बजाते हैं तो हालांकि गाने में भी बंदिश होते हैं लेकिन वो चाल के साथ मुझे वो चाल अच्छा लगता था तो मुझे लगता था कि इसके साथ इस तरह के बंदिश होना चाहिए तो देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग एंड कंपोजिंग दोस और गुरुओं की कृपा से वो निकल के आता है अच्छा आता है तो आपको सुन के कभी नहीं लगेगा कि दिस इज न्यूली कंपोज और समथिंग आपको सुन के यही लगेगा कि दीज आर ऑल ट्रेडिशनल थिंग्स तो उन तालों में तो ऐसा है तो उसी तरह से तो दैट वॉज ऑल्सो अनदर इंस्पिरेशन टू डू सच कंपोजिशंस Okay. Very good. Very nice. Yeah. And I would like to say, like last week also, Shri Samanvay Sarkar said a lot about you. And you also are praising so much. So to all my viewers, to all my lovely viewers, I would like to say, are they both real brothers? The answer is no. Are they like cousins? The answer is no. They are from two different families, but what attracted them, the music attracted them. So what I would say is, like, there is no jealousy. So let's unite and see what both are having. We are having the blessing from them, actually. They are so blessed that we are getting the so blend. Today we can hear his sound. Last week already we heard him, and today like we will hear him. And I love the bonding between them, and the same thing we can see on the stage also, in your performance also. So I think, like, let's unite all together without forgetting everything. Let's unite. It will be a blessing to the society. This is my personal wish, my personal today. Like, what true. Do you think? Like, yeah. Yeah, it's very true. It's nice that you actually evoke that. And that's something very emotional too. Because, you know, this should be between artists. This mutual respect and love. Because ek kalakar ko jis tarah se samajhta hai ya samajh sakta hai, aur koi nahi samajh sakta hai. Kyunki ek kalakar janta hai कि ये कलाकार जो बैठ के ये बजा रहा है या गा रहा है ये कैसे निकाल रहा है इस चीज को इसके पीछे The fight, इसका, right? इसका yes, इसके पीछे इनका कितना सोच है कितना मेहनत है कितनी कितनी साधना है कितना तालीम है वो पता चलता है तो एक कलाकार उसको बहुत मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग जज कर सकता है तो इसीलिए और डेफिनेटली म्यूजिक एक्चुअली पुल्ड अस टुगेदर और आज हम सोलोज भी करते हैं ना तो हमको Yeah, this duet actually developed and nurtured and ye hamare solos ko bhi nikhara hai kaise jab main gaata hu maan lijiye to mujhe koi phrase maine gaya koi ang ko maine dikhaya raag koi raag ka bhed to mujhe uska dhyan bhi chalta hai ki ye samanvay yahan rehta to iska kya bhed wo nikalta to wo sol bhi main nikalta hu to usse kya hota hai ki aap bharpoor ho jate ho I think the same way Very it happened true. With him also. तो इसीलिए कभी कभार हाँ at the same time ये भी होता है कि आप अकेले भी बैठते हो तो आपको लगता है आज मुझे अकेले ही हैंडल करना है स्टेज को True, true, true. मेरे साथ ही नहीं है मेरे साथ आज तो कभी कभी मुश्किल भी हुआ आपको मुश्किल मतलब देखिए पहले तो हम सोलोइस्ट हैं डेफिनेटली तो हाँ ये डुएट हमारा यूनिक प्रोजेक्ट है मुश्किल हम नहीं कहेंगे लेकिन
हाँ एक खालीपन का भी एहसास होता है कि जब जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो यहाँ पे जी रहता तो मुझे इस चीज का ध्यान उतना नहीं देना जी पड़ता, वो बिल्कुल जो बिल्कुल आया बिल्कुल था तो नहीं सही ये बात रहता है, है वो ये राइट रहता है, तो वो भी एक शिक्षा है हमारे लिए, तो वो जी बहुत भरपूर करता है। और ये जो है ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सिर्फ हमारे एक दूसरे के प्रति नहीं, और भी कलाकार जो भी मिलते हैं, भाई हमारे दोस्त और भी बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो हमें बहुत चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, तो उनके प्रति भी हमारा भाव ऐसा रहता है, भावना रहना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी और इम्प्रेसिव। तो दैट ऑल्सो नर्चर दैट वे, सो एंड इट रिफ्लेक्ट्स द लव थ्रू योर म्यूजिक, इट नर्चर, राइट। वो प्यार आपके म्यूजिक से निखर के आता है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात ये जी। सो मेरे पास तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर हम लोग का टाइम का लिमिटेशंस जी है, ये भी है, तो वही लास्ट क्वेश्चन हम ये पूछेंगे, वो भी अंकल के स्टाइल में, अंकल से ही मिला कि आज हम लोग को क्या प्रसाद मिलेगा। एक तो आपका कंपोजिशन, वो तो सुनना ही है, किस राग में सुन रहे हैं हम लोग, क्या कंपोजिशन? थोड़ा सा कलावती सुनाऊंगा, कलावती। हाँ, कमल तो क्योंकि एक तो दक्षिणी राग है, लेकिन अभी हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन फॉर्म में बहुत पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर जी है। जी बहुत बहुत हाँ, तो समय भी अच्छा है, लेकिन मध्य रात्रि लोग गाते हैं, लेकिन दक्षिणी रागों में बहुत समय हम लोग समय का ये नहीं देखते हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तानी पद्धति में आया है तो डेफिनेटली रात के रागों में ही माना जाता है इनको। तो उसमें मैं थोड़ा सा विलंबित सुनाऊंगा, फिर वो एक तराना छोटा सा। तो आपका कंपोजिशन राग कलावती में, राइट? हाँ, एक एक कंपोजिशन विलंबित का जो है मेरे गुरुजी का है और समरेश चौधरी जी का। उसके बाद मैं अप्पा जी से सीखी हुई चीजों को भी कुछ सुनाऊंगा, देखते हैं अभी जैसा जैसा है समय के हिसाब से। टप्पा जैसा कि ये था, आदेश था, अब टप्पा तो, करेंगे। हाँ जी टप्पा तो सुनना है आपसे जूरी, हरजीत जी का आदेश और रिक्वेस्ट है, नहीं वो हमारी रिक्वेस्ट है, उसको आप बेनती समझ लीजिए। ठीक जी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर देखते हैं थोड़ा सा चैती, अगर जी, एक क्या बात, सुनाऊंगा। बहुत वाह वाह बहुत अच्छे, वाह क्या बात, वाह, वेरी नाइस। अगर टप्पा के साथ चेते भी मिल जाए तो हमारी भी चेतना सही हो जाएगी। ठीक है, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वही है, और भी बहुत कुछ सुनना था, आप लोग मूवी भी बनाए गिरिजा देवी अप्पा जी के ऊपर, इसके बारे में भी बात करना था, लेकिन फिर बात करेंगे, यस यस, डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। क्योंकि हाँ हाँ अभी उस गाना दिन भी है हम तो लोग लोगों को ऐसे थोड़ा करेंगे आराम ना, चाहिए, ना, आराम कभी चाहिए। हाँ हाँ टाइम मिलता है तो फिर दोस्तों अभी जाते जाते सबका शुक्रिया अदा करते चलते हैं, ताकि हमारे जितने भी दोस्त लोग, ये सारी फैमिली है हमारी, सर्वकाल हरमनदीप बहुत अच्छी, हमारी बेटी इंडिया से, तो शिल्पी जी थैंक यू आपका, मैं तो भाई 24/7 सर्विस फेसबुक, तो बड़ी कृपा रहती है इनकी, क्योंकि ऐसे ऐसे काम, क्या बात है। जगजीत अरोरा जी थैंक यू वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। गुरजीत सिकरी वीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, उस्ताद रघुवीर सिंह जी, उस्ताद जी साढ़े बहुत प्यारे तबला नवाज ने, क्या बात है। तो जहाँ पे ये तबला बजाते हैं, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने तबला सिखा भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या सुधीर शर्मा जी अमृतसर से बा कमाल तबला प्ले रहे हैं, सर्वकाल की लाइन में उन पीछे थोड़े दिन हो गए, वो भी प्रे करके गए, बहुत ही कमाल की हस्ती हैं। सौरभ दास भी हमारे बड़े प्यारे तबला नवाज हैं और प्रकर्शनिस्ट हैं, बहुत अच्छा, क्या बात है। सोनल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सैम सैम जी बहुत बहुत शुक्रिया, किशन कथक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके भी काफी दिन हो गए, आपकी जो लाइनअप लगी हुई है, लेकिन आपका मेरे ख्याल बहुत जल्दी आपकी टर्म आने वाली है। तो भूपिंदर बाजी अहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, राजवीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत बहुत संदीपन जी, रंजीत सिंह जी, रमनदीप जी, तो बहुत सारे दोस्त लोग जुड़े हैं, उस्ताद हरभजन सिंह जी, जो कि पंजाब बाज का, अगर पखावज की बात करें तो पखावज पे बहुत अच्छा जी काम पंजाब साइड पे कर रहे हैं, क्या बात है। इमरान जाफरी जी पाकिस्तान से, इमरान भाई हमारे बहुत ही बाकमाल वोकलिस्ट हैं, बड़ी कृपा है अल्लाह की, बहुत बहुत कर्म है इनके ऊपर, क्या बात है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त लोग जुड़े हैं, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा 5-6 मिनट की ब्रेक के बाद, हमारे जो आज के हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे बहुत अच्छे उस्ताद जी हैं, जो गुरु भी हैं, क्योंकि वो सिखाते भी हैं,
तो बहुत अच्छा, बेशक यंग हैं जो कृपा कर रहे हैं, जो उनको प्रसाद मिला वो आगे बांट रहे हैं, तो ये गुरु का ही काम होता है कि आगे प्रसाद दे रहे हैं। तो भगवान करे ऐसे ही ये सेवा करते रहे, आप लोग ऐसे ही सर्वकाल की इस लाइफ पे बने रहो, सेवा करते रहो। तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि हम लोग किस तरह इस लाइव को अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो सबसे ज्यादा शुक्रिया हमारे जो आज के आर्टिस्ट हैं, हमारे अपना जवाप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उसी के साथ हमारी अंकिता साहा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आशा करते हैं कि हमें आज जो अच्छा प्रसाद मिलेगा तो उसका आनंद हम मानेंगे, हम भी आनंद लेंगे, हमारे जो सुनने वाले हैं फेसबुक पे आप लाइव आपको सुनेंगे, सारे के सारे वो आनंद लेंगे आपके आज म्यूजिक का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अंकिता जी जाते जाते बस अभी अलविदा लेते हैं हम सभी से, कनाडा और यूएस के व्यूअर्स को गुड नाइट, एंड इंडिया के जो है अ वेरी पॉजिटिव गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सभी को विश करके हम अभी लेते हैं अलविदा, एंड ऑल द बेस्ट देवप्रिय जी। आई एम लाइक टोटली ट्यून्ड टू हियर यू एंड योर कंपोजिशंस, इट्स अ ब्लेसिंग टू आवर सोसाइटी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।